तो आज भाई हमारे पास ऐसे तीन स्मार्टफोन है जो कि अंडर 30,000 आते हैं इस टाइम पर, और ये तीनों ही स्मार्टफोन भाई बहुत ज्यादा बेस्ट हैं अपनी अपनी कैटेगरी के। लेकिन तुम्हारे भाई ने सोचा भाई इनको जरा चेकआउट करते हैं भाई इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा तगड़ा निकलेगा। क्योंकि हमारे पास आज लिस्ट में मोटो एच 40, नथिंग फोन 1 और आईक्यू नियो 7। भाई तीनों ही फोन अपनी अपनी जगह पे चैंप है, तो जरा चेक करते हैं भाई आज इन तीनों में से कौन विजेता निकलता है और आपको पता चल पाएगा कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए आपका अगर 30,000 का बजट है। तो अगर आप अभी फोन लेने जाते हो इन तीनों को ही, तो भाई अभी आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। अभी इस टाइम पर जो मोटो एच 40 है ये बिल्कुल लेटेस्ट है इसके बीच में, और मोटो एच 40 के अंदर आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस फोन को काइंड ऑफ फ्लैगशिप किलर बना देते हैं। वहीं पे अगर नथिंग फोन 1 की बात करें तो इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि फ्लैगशिप में आते हैं, क्योंकि ये फोन उनका एक टाइप ऑफ फ्लैगशिप ही है नथिंग की तरफ से आने वाला। वहीं पे आईक्यू जो नियो 7 है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस बजट के अंदर और कोई स्मार्टफोन देता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले इन तीनों फोनों के डिजाइनों से। तो सबसे पहली चीज आप लोग जब नोटिस करोगे भाई तीनों का ही डिजाइन और फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। नथिंग के अंदर आपको जो है एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिलती है, ग्लास बैक और ग्लास फ्रंट देखने को मिलता है, और पीछे की साइड में थोड़ा नथिंग का ऐसा ट्रांसपेरेंट वाला लुक है। अभी काफी सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। वहीं पर अगर बात करूं ये फोन ना काफी ज्यादा स्क्वेयर्ड है, मतलब कि ना आप जब इसे पकड़ोगे ना चकोर हाथ में लगता है फील होता है, तो थोड़ा सा आपको अलग फील देगा, लाइक आईफोन जैसे देते ना चकोर वाले उस तरीके का। और वहीं पर अगर बात करूं आईक्यू नियो 7 की, ये आता है पीछे प्लास्टिक बैक के साथ, और वहीं पर इसका जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, और सामने तो आपको डिस्प्ले जो मिलती है वो ऑब्वियसली ग्लास की होती है। सही पकड़े हैं। वहीं पर अगर बात करूं मैं इधर अपनी मोटो की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है पीएमएम वाला प्लास्टिक का ही बैक, लेकिन इसके अंदर जो फ्रेम है ये है मेटल वाला, और साथ साथ भाई आपको जो ओवरऑल फील मिलती है ना आईक्यू और इस मोटो के अंदर ये काफी ज्यादा तगड़ी है। लेकिन मैं बोलूंगा फील वाइज थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेटर लग सकता है मोटो एच 40, क्योंकि ये ना काफी ज्यादा स्लिम है इन तीनों फोनों के कंपैरिजन के अंदर। और एक और मेजर पॉइंट ये, हमारे तीनों ही फोनों की कैटेगरी के अंदर ये फोन सबसे ज्यादा स्लिम है जो कि 7.6 एमएम की थिकनेस के साथ आता है, तो ये आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील दिलाएगा और आपको लगेगा कि आपने हाथ में कुछ अलग होल्ड कर रखा है। पीछे के अगर कैमरा के लेआउट की बात करो तो सब में अलग अलग देखने को मिल जाता है, किसी में कुछ इस तरीके का डुअल सेटअप है, किसी में इस तरीके का डुअल सेटअप है, और किसी में कुछ इस तरीके का डुअल सेटअप है। अब देखो तीनों ही अलग है, आप लोग बताओ कैमरा सेटअप आपको किसका ज्यादा बेटर लग रहा है। अब एक और चीज भाई मोटो एच 40 का थोड़ा डिफरेंट होना ये भी है कि ये फोन जो है सिर्फ 163 ग्राम्स का है, काफी ज्यादा हल्का। वहीं पे हमारा आईक्यू और नथिंग 193 ग्राम्स के अप्रोक्सीमेटली, तो ये थोड़ा सा आपको हैवी लगेंगे इन फ्रंट ऑफ मोटो एच 40, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज ले जाता है। वहीं पे अगर भाई सामने की तरफ चलते तो डिस्प्ले के अंदर भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सिनेरियो है, वो दिखाता हूँ क्यों। अब डिस्प्ले की बात करें तो मोटो और नथिंग के अंदर बिल्कुल सेम साइज ऑफ डिस्प्ले है, 6.55 इंच। वहीं पर आईक्यू नियो 7 के अंदर डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है जो कि 6.78 इंच की। अब यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एमोलेड टेक्नोलॉजी सब में ही अलग है, क्योंकि मोटो के अंदर यूज करा गया है एक पीओलेड पैनल, वहीं पे नथिंग के अंदर यूज करा गया एक ओलेड पैनल, और वहीं पे आईक्यू में यूज करा गया एक एमोलेड पैनल। लेकिन अगर भाई मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ पे आईक्यू नियो 7 की पीक ब्राइटनेस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है जो कि 1300 निट्स की, और वहीं पे मोटो एच 40 के अंदर हमको देखने को मिलती है 1200 निट्स की, और वहीं पे नथिंग फोन 1 की जो पीक ब्राइटनेस है 750 निट्स, जो कि बहुत कम है इनके कंपैरिजन में। अब एक चीज मैंने आपको मोटो की नहीं दिखाई, लेकिन ये इसका एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम चीज है, और वो है भाई इसके अंदर हमारे को जो डिस्प्ले मिलती है ये मिलती है भाई कर्व्ड, मतलब कि साइडों से भाई ये पूरी कर्व्ड है, और ये चीज ना आपको मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल क्वालिटी दे देती है आपके इस फोन के अंदर। आपको लगेगा कि आप एक बहुत महंगा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा है, जिससे कि ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में जब आप लोग फ्रंट इसको देखोगे। बाकी बेजल भी ऑल अराउंड बहुत ही ज्यादा सिमिलर से है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पे आईक्यू और हमारा नथिंग फोन 1 के अंदर आपको बेजल साइज थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों में पहली तो बात फ्लैट डिस्प्ले मिल जाती है, और फ्लैट डिस्प्ले होने से थोड़ा आपको पसंद आएगा जब आप गेम वेम करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है वो। लेकिन वहीं पे आपको जो ना स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो सबसे कम देखने को मिलता है नथिंग फोन 1 के अंदर, ये थोड़ी सी आपको बेजल मोटी लग सकती है, बट ये ना सिमेट्रिकल है, चारों साइड से सिमिलर है, आपको थोड़ी वैसे लाइक बॉदर नहीं करेगी। वहीं पे आईक्यू नियो 7 के अंदर सिमिलर ही मिलती है, बट थोड़ा सा चेंज जो है हल्का सा ज्यादा है। वैसे तीनों ही फोनों के अंदर पंचोल कैमरा मिल जाता है, नथिंग फोन 1 के अंदर बस साइड में पंचोल है, बाकी दोनों में मिडल में मिलता है। तो मैं बोलूंगा कि देखो डिस्प्ले अगर आपका प्रेफरेंस है ना, तो भाई ये फोन जो है ना भाई साहब अलग ही लेवल है। इसके अंदर आप कुछ भी देखोगे आपको एक अलग ही फील आएगा, आप यूज करोगे आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। ये अटकने लग गई है। सो गाइस हमारी टेस्टिंग के अंदर आप देख सकते हो नथिंग की डिस्प्ले भाई अटकने लग गई 4K HDR के अंदर। वहीं पे इस टाइम पर सबसे बेस्ट डिस्प्ले लग रही है हमारी मोटो की, आप देख सकते हो कलर्स कितने ज्यादा प्यारे आ रहे हैं इसके अंदर, और नथिंग की डिस्प्ले देख सकते हो भाई अटक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। मैं सच बता रहा हूँ भाई, हमने जितनी बार भी टेस्ट करा ना मोटो की जो डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है। Slowly drifting.
So, हमने तीनों फोन की ना साउंडिंग भी टेस्ट करी, लाइक स्पीकर से कैसा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे तीनों ही फोन के अंदर हमारे को स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मोटो के अंदर थोड़ी सी एडवांटेज ये है कि इसके आपको डॉल्बी ऑडियो के एक प्रोसेसिंग के थ्रू एक थोड़ी सी बेटर साउंडिंग देखने मिलती है, और जो डेप्थ है ना बेसिकली वो ज्यादा बेटर मुझे लगी मोटो H40 के अंदर। वहीं पे उसके बाद नथिंग फोन वन लगा था और आईक्यू और नथिंग ना बिल्कुल सिमिलर से ही लग रहे थे। थोड़ा सा बेटर मुझे मोटो H40 लगा मेरे कानों में। बाकी आप लोग भी एक बार सुनो, आपको लोग बताओ कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, अगर आपको भाई स्विमिंग करते हुए फोटो खींचने का शौक है वैसे खींचने चाहिए। अगर आपका फोन गलती से मान लो पानी में गिर जाता है तो यहाँ पे मोटो H40 के अंदर IP68 की हमारे को रेटिंग देखने मिल जाती है। वहीं पे नथिंग फोन वन के अंदर हमारे को IP53 की रेटिंग देखने मिलती है, और आईक्यू के अंदर यहाँ पे कोई भी रेटिंग नहीं है। मतलब अगर आपका फोन के अंदर कोई दिक्कत होती है मतलब पानी में जाता है तो रेटिंग नहीं है। बट एक चीज मैं चेक कराता हूँ आपको, आईक्यू न्यू 7 की अगर मैं सिम ट्रे निकालता हूँ आप देख सकते हो उसके अंदर ना गैसकेट लगी हुई है साइडों में जाकर पानी अंदर ना जाए। तो ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई रेटिंग नहीं है बट फिर भी प्रोटेक्शन लगाई गई है आईक्यू की तरफ से। तो ये है कि भाई आपको रेटिंग नहीं मिलेगी तो आपको ऐसे थोड़ा संतुष्टि नहीं मिलेगी। बट वहीं पर भाई नथिंग और हमारे मोटो के अंदर ज्यादा बेटर रेटिंग मिल जाती है। इवन मोटो के अंदर तो और ज्यादा बेटर मिलती है IP53 के मुकाबले। अब मुझे पता है आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, वो है भाई परफॉर्मेंस का सीन क्या है यहाँ पे। भाई परफॉर्मेंस का बताओ ना। तो देखो यार तीनों ही फोन जो है ना काफी अलग अलग चिपसेट के ऊपर यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब नथिंग फोन वन जो भाई एक साल पुराना फोन है तो इसका चिपसेट थोड़ा सा आपको लगेगा पुराना क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन 778G+। और वहीं पे हमारे मोटो H40 के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट है मीडियाटेक का 8020। और वहीं पे हमारे आईक्यू न्यू 7 के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर। अब ये तीनों ही प्रोसेसर डिफरेंट डिफरेंट लीग के हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्कोर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हमने जब तीनों ही फोनों के अंदर भाई एंटीटू रन कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क आ रहा है। तो आईक्यू न्यू 7 है वो ऑब्वियसली भाई सबसे आगे है, उसके बाद हमारा मोटो H40 है, और उसके बाद है भाई नथिंग फोन 1। देखो जो परफॉर्मेंस वाले मेरे दोस्त है ना भाई लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि नथिंग फोन 1 वो अब ले, क्योंकि उसके अंदर आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले अगर दो फोन आप देखते हो तो वो है एक आईक्यू न्यू 7 और एक हमारा बचता है मोटो H40। इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर हो सकती है। तो चलो अब इनका टेस्ट आगे लेके चलते हैं। और जब हमने भाई सीपीयू थ्रॉटलर रन करा दोनों ही आईक्यू न्यू 7 और हमारे मोटो H40 के ऊपर तो रिजल्ट्स जो थे काफी शॉकिंग थे, क्योंकि जो नॉर्मल एवरेज स्कोर था ना मोटो H40 का अराउंड 1,90,000 रहा था, वहीं पे आईक्यू न्यू 7 का 2,10,000 से ऊपर का रह रहा था। और जो इनका मैक्सिमम गए थे ना एवरेज स्कोर वो बहुत ज्यादा क्रेजी थे, क्योंकि न्यू 7 भाई 2,50,000 तक चला गया और हमें जो मोटो H40 था वो 2,07,000 पे रहा। तो यहां पे देख सकते हो जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली आपको न्यू 7 के अंदर बेटर मिल जाती है, क्योंकि जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 है ना काफी ज्यादा एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो उस वजह से जो परफॉर्मेंस में थोड़ा आपको ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। और मैं नथिंग की बात कर नहीं रहा हूं क्योंकि भाई इसका थोड़ा सा भी स्कोर जो है डगमगा रहा था, तो भाई ये थ्रॉटल कुछ ज्यादा ही कर गया था, इसलिए हमने इसको थोड़ा भी इस बारे टेस्ट से बाहर निकाल दिया था। वैसे तीनों ही फोन के अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। और अगर बात करूं देखो यार नॉर्मल डे टू डे टास्क की, नॉर्मल आप लोग फोन डायलॉग बोलो सब कुछ, वो चीजें यार तीनों ही फोनों के अंदर बढ़िया चलेंगी। कोई डिपेंड नहीं करता उसके ऊपर कि परफॉर्मेंस कितनी आ रही, कितने स्कोर आ रहे हैं। आपके तीनों ही फोन नॉर्मल टास्क व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत आराम से चला देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इन तीनों में से कोई भी एक फोन लेते हो अगर। अब यहाँ पे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है भाई सॉफ्टवेयर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत एक ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंड्रॉइड स्किन जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे नथिंग फोन वन के अंदर आपको नथिंग ओएस देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड फील देता है। मोटो H40 के अंदर MIUI देखने मिलता है जो कि और क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड फील देता है। वहीं पे भाई आईक्यू के अंदर थोड़ा सा आपको फ्रंट टच ओएस का मजा लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चीजें मिल जाती है। क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, इनका एक कस्टम स्किन है जिसके अंदर थोड़े बहुत बुलेटवेयर्स भी आते हैं जब आप लोग इसको परचेज करोगे, हालांकि वो आप लोग लाइक अनइंस्टॉल कर सकते हो वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर आपको भाई क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए ना, कुछ ज्यादा फालतू की चिकचिक बाजी नहीं चाहिए आपको जिंदगी के अंदर, तो भाई मोटो H40 और नथिंग फोन वन के सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा क्लीन है उस पर्सपेक्टिव के अंदर। एंड इवन भाई मोटो H40 के अंदर आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि इनके जेस्चर फीचर्स हो, जैसे आप लोग ऐसे करोगे तो इनकी लाइट वेट जल जाती है। थोड़े से मोटो के फीचर्स मेरे को ज्यादा बेटर लगते हैं, लेकिन भाई सॉफ्टवेयर वाइज मैं बोलूंगा टॉप पे रखूंगा मैं दोनों को, नथिंग फोन वन और मोटो H40 को। और साथ ही में अगर भाई बात करें लाइक इनके अंदर कितने अपडेट्स आएंगे, तो मोटो H40 के अंदर आएंगे 2 साल के मेजर अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी। सेम आईक्यू के अंदर भी 2 साल के मेजर, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। बाकी इन दोनों फोनों के अपडेट साइकिल थोड़ी सी डगमगा रहती है कंपनी की तरफ से ही। और नथिंग के अंदर भाई सबसे ज्यादा आपको अपडेट का सपोर्ट मिलता है क्योंकि इसमें 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे जिसके अंदर की 1 साल के तो आ ही चुके हैं, और साथ साथ 4 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और नथिंग के अपडेट्स ना भाई काफी ज्यादा टाइमली भी रहते हैं, ऑन पॉइंट रहते हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे नथिंग के साथ ये है। लेकिन नथिंग का एक और डिसएडवांटेज भाई इस पूरे इस कंपैरिजन में ये है कि नथिंग फोन 2 का सक्सेसर आने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता है नथिंग फोन 1 बिकना बंद नहीं होगा क्योंकि ये फोन अभी 25,000 के अंदर मिलेगा आपको मार्केट के अंदर, जब भी मैंने इस वाले फोन को कंपैरिजन में डाला है। तो अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सेटअप देखने मिलेगा आपको, क्योंकि मोटोरोला के अंदर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है पीछे की साइड में, जिसमें 50 MP का मेन है और 30 MP का अल्ट्रा वाइड है, और साथ ही नथिंग के अंदर हमारे 50 MP का वाइड और 50 MP का ही अल्ट्रा वाइड देखने मिल जाता है। और साथ आईक्यू न्यू 7 के अंदर यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 64 MP का मेन है, 2 MP का मैक्रो और 2 MP की डेप्थ है। अब फ्रंट की स्पेसिफिकेशन आप लोगों के सामने है। अब देखो हमने फोटोज में डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स में क्लिक करी है, बेसिकली हमने जो चीज देखी ना वो ये देखा कि तीनों ही फोन ना अनकंसिस्टेंट है लाइक बहुत सारी सिचुएशन के अंदर, और HDR तो भाई तीनों ही फोनों में अनकंसिस्टेंट है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी फोन से फोटो क्लिक करते हो ना इस टाइम पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई कोई फोटो किसी फोन में अच्छी आ रही है, कोई फोटो किसी फोन में अच्छी आ रही है। अब देखते हो कुछ कुछ जगहों पर भाई मोटो जीत रहा है, कुछ कुछ जगहों पर नथिंग जीत रहा है। और वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई मोटो ही एक ऐसा फोन है जिसके अंदर की फ्रंट में मार को 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। पीछे हमारे सूरज है इस समय पे, सूरज भगवान बेसिकली
एंड अलग अलग भाई HDR का पता चल पा रहा होगा। इसमें बेटर है क्या लगता है, किसमें बेटर है? आई थिंक मोटोरोला और नियो में थोड़ा सही लग रहा है। और एक बार अगर मैं इसके धूप को अपोजिट आता हूँ तो फिर भाई यहाँ पे IQ थोड़ा बेटर कर रहा है और मोटो फिर पता नहीं कैसा जीत सा कर दे रहा है, मतलब काफी वियर्ड सिचुएशन है। देख एक बार भाई कैमरा, सबके कैमरा अलग ही परफॉर्म। अब आते हैं भाई कैमरा की, जैसे आपने देख लिया, हमने बात कर लिया अच्छे से बाहर जाके और हर चीज बता दी मैंने आपको, तो अब बात करते हैं इसके भाई बैटरीज की। तीनों फोन के अंदर बैटरी का सिस्टम है, तो सबसे ज्यादा कम बैटरी जो हमारे को मिलती है वो मोटो H40 के अंदर, जो कि सिर्फ 4400 mAh की। वहीं पर हमारे आईकोनिक सेवन देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी, तो मतलब काफी ज्यादा बड़ी बैटरी है। और नथिंग फोन वन के अंदर सिर्फ 4500 mAh की बैटरी है। तीनों की बैटरी कैपेसिटी डिफरेंट, तो आपको यहाँ पे अंदाजा मिल जाएगा कि भाई ऑब्वियसली जो मोटो H40 है वो बहुत ज्यादा कम चलेगा इन दोनों ही फोनों के कंपैरिजन। उसके बाद भाई नथिंग फोन 2 आएगा हमारा सेकंड पोजीशन पे, और जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा बैटरी के मामले होगा हमारा आईकोनियो 7। तो अगर आपको लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी जिसकी अच्छी चाहिए, वो भाई आईकोनियो 7 बन जाता है। अब यहाँ पे भाई देखो बैटरी तो हमारे कम ज्यादा मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर चार्जिंग तेज होगी तो भाई मजा भी तेज आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो भाई हमारा जो मोटो H40 के मिलती है 68 W की हमारे चार्जिंग, नथिंग फोन 1 के मिलती है हमारे को 33 W की चार्जिंग का सपोर्ट, और वहीं पे हमारे आईकोनियो 7 के अंदर मिलता है 120 W के चार्जर का सपोर्ट। हमारे मोटो और आईको के साथ आता है चार्जर बॉक्स के अंदर, लेकिन आपको नथिंग के साथ चार्जर नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, तो आपको एडिशनल यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। और आपको अगर इनका फास्ट चार्ज लेना है तो फिर आपको ऑफिशियल लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हैसल हो जाता है, बट वहीं पे ये दोनों फोन इस मामले में जीत जाते हैं। और एक और चीज, मोटो H40 और नथिंग फोन 1 दोनों ही वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, इन दोनों में ही 15 W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये भी एडिशनल फीचर है मेरे हिसाब से। तो देखो यार सीन ऐसा है कि हमने तीनों ही फोन आज अच्छे से कंपेयर करे, एंड जो मेरा कंक्लूजन निकला वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये मेरे को लग भी रहा था यही निकलेगा। अगर आपको चाहिए एक भाई पावरफुल और एक बड़ी बैटरी वाला फोन, तो भाई वहां पे बन जाता है आईकोनियो 7 बिल्कुल टॉप पे, एक मस्त वाला कंटेंडर। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एक फोन में से, तो भाई आईकोनियो 7 ले लो, आग बंद करे, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस है। वहीं पे भाई अगर आपका मन है एक काफी ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन लेने का, जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक अच्छी मिले ओवरऑल, लाइक आपको डिस्प्ले अच्छी मिले, स्पीकर्स अच्छे मिले, दिखने में काफी अच्छा हो, लुक वाइज अच्छा हो, वो सारी चीजें होती है ना, तो उसके अंदर भाई मोटो H40 यहां पे भाई बहुत ज्यादा टॉप पे है, क्योंकि डिस्प्ले से लेकर स्पीकर से लेकर डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर हर एक चीज इस फोन के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे लास्ट में अगर बात करूं नथिंग फोन 1 की, ये फोन वैसे बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सीन क्या है, इस फोन का एक अपडेट आने वाला है जो कि नथिंग फोन 2, और वो बहुत जल्द आ जाएगा। तो अब ये फोन लेना अभी के टाइम पे वर्थ इट नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर फोन अब मार्केट में आ चुके हैं। नथिंग फोन 1 के अंदर आपको गेमिंग लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन डे टू डे के अंदर आप लोग इजीली इसको यूज कर पाओगे। तो नथिंग फोन 1 उनके लिए भाई जिनको थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे अलग तरीके का दिखने वाला फोन चाहिए उनके लिए। बट भाई मैं सच बताऊं मोटो H40 लिस्ट के अंदर ना काफी अच्छा निकल कर आया, और आईकोनियो 7 तो पावरफुल है ही हमेशा से। तो बस यार ये थी वीडियो, और पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।